एंड ये पूरी वॉल है जो बेसिकली 15 इंचेस की है, ये सारे अलॉयज 15 है। एक ये है ठीक है, बट इसका साइज ये पहले दो अलॉयज हमने रख के देखे हैं। अच्छे हाथ से ऐसे नहीं यार, देखा हाथ से करना था। हे पीपल, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी माइक्रा के अलॉयज एंड टायर अपग्रेड। तो अभी इसमें लगे हैं 13 इंचेस के रिम एंड ऑब्वियसली अलॉयज है नहीं, तो टायर जो है वो मैंने अपने एक फ्रेंड से ले लिए थे, लवनीश भाई हैं अपने फ्रेंड, तो अपने पोलो के टायर वो अपग्रेड कर रहे थे बेसिकली। तो उनके जो टायर हैं उसमें काफ़ी ग्रिप पड़ी हुई है, अराउंड 30-40% ग्रिप अभी पड़ी हुई है, बट वो अपग्रेड कर रहे हैं तो मैंने उनसे ले लिए, क्योंकि यार एक साथ टायर अलॉय अगर अपग्रेड करो ना तो पॉकेट पे बहुत लोड आ जाता है। तो मैं सोचा अलॉयज ले लेंगे नए या सेकेंड हैंड, वो भी देखते हैं, अगर सेकेंड हैंड में अच्छी डील मिल गई देन वाई नॉट, और नए मिल गए तो ठीक है। तो टायर मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी हम आए हैं मायापुरी, आई एम विद सागर भाई। तो सागर भाई चला रहे हैं, ही इज़ माई चाइल्ड हुड फ्रेंड, ठीक है, बचपन के फ्रेंड है, पहले कभी चैनल पर देखा नहीं होगा, बट ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, ओके, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर यू कैन से, तो ही इज़ फैमिली। तो अभी हम आए हैं मायापुरी यहाँ देखने की कोई डील मिल जाए, क्योंकि एक बार हम पहले आए थे तो एक स्कॉर्पियो के जो आजकल बहुत फेमस अलॉयज है, मैं डिज़ाइन स्क्रीन पर डाल दूंगा, मुझे फोटो मिल गए, फ्यूल के जो अलॉयज आते हैं, फ्यूल कॉन्ट्रा, देखो सागर भाई को नाम याद है, तो यहीं से लेके गए थे। तो फ्यूल कॉन्ट्रा पे ना हमें इतनी बढ़िया डील मिली थी, डब्बे बैग अलॉयज, और जो बाहर जो प्राइस था उसका अराउंड 1.5 लाख 1,60,000 के लोग वो देते हैं अलॉयज, वो हमें यहाँ पे आई थिंक 90,000-85,000 में मिल गए थे, 85 में, और वो डब्बे बैग थे, मतलब लिटरली गत्ते का डब्बे की टेप हमने खोले थे, ब्रांड न्यू थे वो। तो ऐसी अगर कोई डील अगर आज हमें मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो फिर नए लेंगे, फिर वील गो टू सम अदर प्लेस, करोल बाग या और कोई शॉप पे जाके देखेंगे, बट देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अगर कुछ मिला देन वील शो यू Later that same evening. So people, ये अपडेट है शाम का, मायापुरी गए थे, वहाँ से वापस आ गए, करोल बाग भी गए थे, वहाँ से वापस आ गए। रीज़न बताता हूँ, मतलब मैंने कुछ इसलिए आपको इसलिए नहीं दिखाया, बिकॉज मायापुरी में एक तो वही घिसे पटे 5 spoke वाले डिज़ाइन, और उसके इतने पैसे मांग रहे हैं, मतलब 18,000-19,000 सेकेंड हैंड अलॉयज़ के, जबकि नए अलॉयज़ 18-19-20 से शुरू हो जाते हैं 15 इंची, और नेगोशिएट कर भी रहे हो, पहली बार तो मेरे को कोई डिज़ाइन पसंद आया नहीं टू बी ऑनेस्ट, और मैं कहा चलो अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करे, लेकिन बंदा कॉम्प्रोमाइज़ सब करता है, जब कोई स्टीलिंग डील मिले या कोई ऐसा प्राइस मिले कि भाई 8,000 या 10,000 में आपको मिल रहे हैं चार लॉय, ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ पे शूट करने का मन ही नहीं किया। करोल बाग गए थे, आज मंडे था, तो दो मेन दुकान बंद थी, दो मेन दुकान खुली थी, तो उस पर भी जो मेरे को डिज़ाइन पसंद आए उसमें साइज़ नहीं मिला। तो अब बेसिकली मैं जा रहा हूँ इन्फोर्स्ड व्हील्स पे, वहाँ जाके देखते हैं, होपफुली वहाँ कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा। जो टायर मेरे पास पड़े हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये टायर्स हैं जो मैंने घर पे ला कर रख दिए थे, ये मैंने अपने फ्रेंड लवनीश भाई से लिए हैं, एंड एज यू कैन सी इनके भी काफ़ी ग्रिप पड़ी हुई है, एटलीस्ट 30% तो हैं, तो मेरे 6 महीने तो आराम से निकाल देंगे, तब तक वही है कि अगर इकट्ठा लगाओ तो 40-50,000 रुपये लगाना मुश्किल हो जाता है, अब अलॉयज डलेंगे तो ये मेरे पैसे फ़िलहाल सेव हो जाएंगे। तो इनको मैं लोड करता हूँ गाड़ी में और फिर चलते हैं इन्फोर्स्ड व्हील्स। ओके गाइस, सो आई एम ऑन माई वे, चारों टायर देखो पीछे लोड कर दिए, बिकॉज डिक्की में तो जगह है नहीं, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ सागर भाई को पिक करने, बिकॉज उन्हें मैंने सब ड्रॉप कर दिया था, और अब उन्हें पिक करते हैं और चलते हैं इन्फोर्स्ड व्हील्स। तो ऑनेस्टली बताऊँ, बिकॉज हमेशा आपको पता है मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहता हूँ, मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं अलॉयज के लिए, बट मैं फिर भी अपग्रेड कर रहा हूँ, डलवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि माइक्रा के टायर बिल्कुल गंजे हो चुके हैं, और अब इसमें डले हैं 13 इंचेस के रिम जो है, तो अब 13 इंचेस के नए टायर डलवाना, उसमें भी पैसे लगाने पड़ेंगे, तो अब मेरे को वो सेंस बन नहीं रही, क्योंकि जबकि फ्यूचर में मुझे अपग्रेड करना ही है। तो टायर ये लकीली लवनीश भाई से हमें मिल गए, तो इसलिए इसमें हमारा थोड़ा खर्चा बच जाएगा। तो अलॉयज भी जो हैं वो भी जो है, मैं मतलब आपसे बिल्कुल मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, तो थोड़े से पैसे मैं अपने डाल रहा हूँ, बाकी पैसे मैं सागर भाई से अभी लूँगा, बोरो करूँगा उनसे पैसे, और उन्हें बाद में रिटर्न करने पड़ेंगे, मुझे रिटर्न करूँगा ऑब्वियसली। तो ये फ़िलहाल जुगाड़ बिठा रहे हैं, बिकॉज माइक्रा के टायर बिल्कुल गंजे हो गए हैं, एंड इस गाड़ी में ABS वैसे ही नहीं आता, तो अगर आप एकदम पैनिक ब्रेकिंग करोगे ना तो ये गाड़ी अब स्किट कर रही है बहुत बुरी तरह, तो मैं वो रिस्क अब लेना नहीं चाह रहा, इसलिए सागर भाई को पिक करते हैं और फिर चलते हैं इन फोर व्हील्स। 20 minutes later. So people, finally reached in four wheels,
इन्फोर्स्ड ऑटो, ठीक है, और गुड़गांव की खासियत पीछे है दारू का ठेका। सागर भाई आ गए हैं साथ में, तो चलते हैं ऊपर, ठीक है, और जाके अलॉयज देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो आई एम हेयर एट इन्फोर्स्ड ऑटो एंड एज यू कैन सी द अलॉय कलेक्शन भाई भरा पड़ा है, मतलब जहाँ नज़र घुमाओ। एंड ये पूरी वॉल है जो बेसिकली 15 इंचेस की है, ये सारे अलॉय 15 है, ठीक है। तो अपने को बेसिकली वो वाला चाहिए था उधर कोने में लगा हुआ है, ये वाला डिज़ाइन जो कि येगर डाइना की कॉपी आती है, यहाँ पे भी कहीं लगा होगा जैसे ये लगा हुआ है, ये वाला जो है, ठीक है, बट ये वाला 15 में अवेलेबल है नहीं, ये 15 में है नहीं, ठीक है। तो अब जो मुझे समझ आ रहे हैं, एक ये है, ठीक है, बट इसका जो विड्थ है ना, जे बोलते हैं, ये बहुत ब्रॉड है, तो मेरे पास जो टायर है वो इस पर फिट आएंगे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और फिर उसके बाद जो और समझ आ रहे हैं, वो एक ये आ रहा है, एक ये वाला, एक ये गोल्डन और एक ये वाला, ये भी अच्छा है, ये और ये दोनों सेम है, ऑलमोस्ट कलर का डिफरेंस है, ये भी सिमिलर है, अगेन कलर का डिफरेंस है। तो तीन चार अलॉय नीचे जाके लेके जाते हैं, गाड़ी पे रख के देखते हैं कौन सा लग रहा है अच्छा, फिर टायर तो मैं साथ लाए हूँ, वो उस पर डलवा लेंगे। तो शॉर्ट लिस्ट करते हैं और नीचे चलते हैं फिर। सो गाइस, ये पहले दो अलॉयज हमने रख के देखे हैं, ठीक है, दोनों सेम डिज़ाइन है, बस कलर डिफरेंट है, उसका डिज़ाइन भी आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, हाँ डिज़ाइन डिफरेंट है। तो सागर भाई को आगे वाला पसंद आ रहा है, मुझे पीछे वाला पसंद आया है। तो अब ये आगे लगा दिया गोल्डन वाला भैया, और पीछे वही है सिल्वर वाला। मुझे तो अभी भी पीछे वाला ही अच्छा लग रहा है, आप क्या कहते हो सागर भाई? मुझे गोल्डन वाला, गोल्डन वाला। मुझे सिल्वर वाला अच्छा लग रहा है। हाँ, फोर्थ भी एक बार लगाते हैं, एक वो लास्ट रह गया फोर्थ। और एक बार सागर भाई जो एक ऊपर मंगाना है ना, वो फोटो दिखा दो भैया को, वो भी मंगा लो, लगा दो भैया वो वाला गोल्डन वाला हटा के वो लगा दो। ओके गाइस, सो इज द फोर्थ वन, अभी एक फिफ्थ और मंगाया है, वो आ गया, आगे वाला ही भी है, उतार के ये लगा दो, वो वाला उतार के ये। एक और ये भी लेके आए हैं, ये भी ट्राई करते हैं, ये तो कैंसिल है ना, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब इन दोनों का कंपटीशन सही है अभी। हाँ, अब ये दोनों सिल्वर सिल्वर लग गए हैं। मुझे पीछे वाला अभी भी नहीं आया था। मुझे वही सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। वो तेरी मर्जी है। सो पीपल, ये अब आया एक सिक्स्थ अलॉय, बेसिकली जो हमने वो वाला लगाया था ये उसका दूसरा कलर है, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। चलो फाइनल करते हैं कोई। तो भाई अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो अब क्या कर रहे हैं, जो तीन हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं उस पर टायर चढ़वा रहे हैं और फिर लगा के देखते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। एक है ये वाला, एक वो सिल्वर वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और एक है वो वाला, तो एक बार लगा के देखते हैं। तो भाई ये देखो, दोनों पे टायर चढ़ गया है, थर्ड पे भी चढ़ गया, वो भी लगाते हैं, पहले इन दोनों को देख लें। ये देखो, भाई दोनों ही अच्छे लग रहे हैं यार। भैया से पूछते, भैया आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? सिल्वर।
भैया भी सिल्वर कह रहे हैं। मेरा भी चेंज हो गया। ले लो, मेरा भी चेंज हो गया, सिल्वर सिल्वर अच्छा लग रहा है। गोपर सिल्वर। एक बार आगे भैया आगे अब एक गोल्डन लगा के दिखा दो बस। सो पीपल अब गोल्डन वाला लग गया है भाई। मुझे तो अभी भी पीछे वाले ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एक बार साइड से भी देख लेते हैं। पीछे वाला भाई डेफिनेटली। पीछे वाला सिल्वर। ओके गाइस, सो फाइनली डिसीजन हैज बीन मेड। पीछे वाला सिल्वर वही डलवा रहे हैं। अब बियर से ऊपर जाके करते हैं। और ये मैंने चूज किया और ये मैंने चूज किया है जो मैंने सबसे पहले रिजेक्ट किए थे। तो सागर भाई ने सबसे पहले ये रिजेक्ट किया था और मेरे को सबसे पहले ये पसंद आया था। अब दोनों को यही पसंद आया। एक्चुअली इस वाले में पंगा क्या है कि इसका जो एयर वॉल्व है ना वो भी पीछे है। मतलब अब देखो टायर के आगे आपको कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और इसका तो ऑब्वियसली आगे, तो अगर वो पंचर होते हैं हवा निकलती है तो भाई उसमें हवा भरने के लिए पीछे से हाथ डालना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। एक हमने वो शॉर्ट लिस्ट किया था, वो मैं आपको दिखाया, बट उसमें मज़ा आया नहीं। तो सिल्वर ही अच्छे लग रहे हैं, यही लगाते हैं। ओके गाइस, तो मेरे अलॉयज तो फाइनल हो गए हैं, नीचे लग रहे हैं। अगर आप प्राइस की बात करी जाए तो ये वाले जो अलॉयज मेरे लगे हैं ये हैं 28,000 के। बाकी भैया से बात करते हैं, देखते हैं भैया क्या बेस्ट डील देते हैं। तो आपको भी अगर आके डील लेनी हो तो यहाँ पे आके भैया से बात कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो का वो देना हो रेफरेंस तो भैया को वीडियो भी चाहे रेफरेंस दे देना। एक्चुअली एक चीज़ जो मैंने फील करी है बहुत से लोगों में, इन्फोर्स्ड ऑटो के नाम से या इन्फोर्स्ड व्हील के नाम से लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे या बहुत प्रीमियम है। देखो प्रीमियम है नो डाउट। मैंने भी आज भी मैं आपको जैसे इस वीडियो में बताया मायापुरी को क्या है, करोलबाग को क्या है, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटी यहाँ मिल रही है ना और जो डिज़ाइन यहाँ मिल रहा है वो मुझे कहीं नहीं दिखे। और जो प्राइस एक्चुअली में मायापुरी में 18, मैंने वो खुद बताया 18-20 हज़ार पुराने अलावा के मांग रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे आओ, एक्चुअली में वैरायटी बहुत है और बहुत अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो वो अपने दिमाग में ना वो चीज़ हटा दो कि बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छे अलॉयज अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं और वैरायटी आपके सामने पीछे दिख ही रहा है। हर तरफ जहाँ देख लो, हर गाड़ी के लिए, छोटी से छोटी गाड़ी के लिए और बड़ी से बड़ी गाड़ी के लिए अलॉय अवेलेबल है, ठीक है। बाकी मैं एक बार भैया से आपकी बात करा देता हूँ कि कौन सी रेंज से अलॉय स्टार्ट है और कहाँ तक है। एक छोटी सी चीज़ पूछते हैं, ठीक है। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया जी। तो भैया एक बार बता दो कि आपके पास कितने इंच से अलॉय स्टार्ट है मिनिमम? हमारे पास मोर और लेस 13-14 इंच से स्टार्ट है रेंज, 24-26 इंच तक। अच्छा, 13-14 इंच से स्टार्ट हो जाते हैं और 24 इंच तक अलॉयज अवेलेबल है। और प्राइस रेंज की भी अगर बात करी जाए तो कितने प्राइस से शुरू हो जाते हैं जो 13-14 वाले हैं? 13 इंच 17-18 थाउजेंड से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और 24? कोई लिमिट नहीं है उसकी, कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख डिपेंडिंग ऑन डिजाइन एंड क्वालिटी एंड कंपनी। काफी वैरायटी है, ठीक है। और जो आपने बताया ये सिर्फ रिम का प्राइस है, राइट? सिर्फ टायर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। सो गाइस, एज यू जस्ट हर्ड, 13-14 इंच से स्टार्ट है और 24 इंच तक है। और अगेन एज यू सेड कि अपने दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है ना वो हटा दो। और भैया कोई आएगा तो डील दे दोगे ना उन्हें? बिल्कुल। तो अभी मैं भी भैया से बात करूँगा, मेरी डील देखते हैं क्या बनती है। थैंक यू भैया। बाकी जो भी अगर आता है प्लीज, अगर कोई इस वीडियो को देख के आ रहा है उनको बेस्ट डील दे, डेफिनेटली। सो गाइस, दिस अपडेट इज आफ्टर ऑलमोस्ट 10 डेज। एज यू कैन सी मेरे बाल भी कट चुके हैं और गाड़ी में भी मैंने थोड़ा और काम करा लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। जो बेसिकली इसके पीछे के ड्रम और आगे के डिस्क कैलिपर हैं वो मैंने पेंट करा दिए हैं। आगे प्रोजेक्टर भी लग गए हैं इसके फॉग लैंप एरिया में। प्रोजेक्टर वाली वीडियो बाद में अलग से आएगी, बट नाउ लेट मी शो यू द फाइनल लुक आफ्टर द अलॉय। सो हियर इट इज।
ओके गाइस, तो ये अपडेट है अलग लगने 10 दिन बाद का। एज आई टोल्ड यू, गाड़ी की विंडशील्ड जो है वो भी चेंज होनी है, उस पर स्क्रैचेस बहुत हैं, तो रात को ठीक से दिखाई नहीं देता। तो मैं सोचा इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर देते हैं, गैरेज चलते हैं, विंडशील्ड इसकी आ रही है, इसको चेंज करते हैं और उसका जो भी टाइम लैप्स वीडियो बनेगा, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। सो हियर इज द न्यू विंडशील्ड गाइस, सो दिस इज जेन्युइन फ्रॉम सेंट गोबेन। फोकस करेगा ये देखो, तो दो ही कंपनियां जो जेन्युइन शीशे बनाती हैं मेनली, एक है एसआई, एएसआई जो लिखा आता है, एआईएस सॉरी, और एक है सेंट गोबेन। तो कंपनीज में भी यही दो कंपनी सप्लाई करती हैं। अगर एक कंपनी से आता तो सेंट गोबेन के साथ में निसान की स्टैम्पिंग भी होती। सो बट एज यू कैन सी दिस इज जेन्युइन, तो ये लगने वाला है। तो भाई मनोज यार, मोंटी की इच्छा और ये कि शीशा चेंज हो रहा है, तो उसको एक बार क्रैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हाथ से बात हो रही है। हाथ से ऐसे नहीं यार, देखा हाथ से करना था, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, मुक्का मारना था। चल तू अब मार दे, उधर मार दे हाथ से, चल तू मार के देख ले। अरे मार, क्या हो गया यार, ये बात बस हो गया, बस हो गया, उतारना भी है, पता लगाओ टुकड़े टुकड़े। सभी बोल फाइनली ग्लास लग चुका है, लगे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, पहले वो टेप्स लगाए गए थे वो भी उतार दिए, अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। आज रात को फाइनली शांति से घर जाऊंगा, बिना यू नो आँखों में लाइटें पड़े, बिकॉज फिर जब लाइट पड़ती थी ना इतनी रिफ्लेक्ट करती थी तो दिखता ही था आगे ठीक से। ओके गाइस, रात हो गई है, मैं फाइनली घर आ चुका हूँ, एंड इस वीडियो में आपने जैसे देखा गाड़ी में अलॉय लग चुके हैं, विंडशील्ड चेंज हो चुकी है, अभी जब ड्राइव करके आया इट वॉज अ प्लेजर, बहुत ही सुकून से गाड़ी चला के आया हूँ। एनीवेज, आपको अलॉय कैसे लगे वो ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड और इतने सारे भी आपने देखे, और कोई अगर आपको पसंद आ रहे हो जो आपकी पर्सनल चॉइस हो वो भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और भी कोई आपकी क्वारी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, पुट इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, पीस आउट।